हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? ये ब्लॉग शुरू मैं कर रही हूँ इवनिंग से। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बस अब बच्चों को दूध दूंगी और साथ में ये केक है मेरे पास, ये केक भी दूंगी। ये केक बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मसाला चांप की रेसिपी। मेरे पास ये चांप रखी हुई थी और इसको मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखा हुआ था। और जब भी आपको इसको बनाना हो, थोड़ा सा इसको बॉईल कर दें अगर, तो ये आपने फ्रीज़ करके रखी है तो। अगर आप मार्केट से लेकर आए हैं सेम टाइम पे ही आपको बनाना, तो ये प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको थोड़ा सा गर्म पानी में रख दिया था, उसके बाद इसको निकाल के इसके पीसेस कर दिए थे। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। आपको ज़्यादा ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना है, आपको सिंपल थोड़े से ज़्यादा ऑयल में, थोड़ा सा ही ऑयल में आपको इसको फ्राई करना है। अगर आप मैरिनेट करके इसको बनाते हैं ना, तो ये ऑयल में ज़रूर नीचे चिपक जाती है। और अगर आप विदाउट मैरिनेट करके इसको ऐसे ही फ्राई करते हैं, तो ये बिल्कुल भी चिपकती नहीं है कढ़ाई के साथ। ये देखिए कितनी आसानी से ये फ्राई हो रही है, नहीं तो ये चिपक जाती है अगर मैं मैरिनेट करके इसको बनाती हूँ तो। ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है। बस आपको इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है, पलट पलट कर आप इसको फ्राई कर लीजिए। और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। बस अब मैं सारी जो है ये चांप सारी निकाल लूँगी ऑयल से, और दूसरा बैच मैं इसमें डाल दूँगी। इसको भी सेम प्रोसीजर से फ्राई करना है आपको। अब मिलाएंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा। और अब मैं इसमें दो मैंने प्याज लिए थे जिनको मैंने अच्छे तरह से चॉप कर लिया था, अब मैं वो डालूँगी इसको। अब हमें इसको अच्छी तरह से भूनना है प्याज को। मैंने यहाँ प्याज डाले हैं और साथ ही मैं यहाँ पर नमक डाल लूँगी स्वाद अनुसार। आप ट्राई ज़रूर करना एक बारी, जब आप प्याज डालते हैं उसके बाद नमक डालने में आपके प्याज जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से भुन जाते हैं। अब मैं इसमें मिला रही हूँ अदरक और लहसुन जो मैंने फ्रीज़ करके रख रखे थे। ये जो है ना, ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है अगर आप नॉनवेज खाते हैं। और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को अगर आप नहीं खा सकते हैं नॉनवेज, तो आप इस तरह से चांप को बना के खा सकते हैं, ये भी बहुत यमी लगती है। अब यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं। मैंने यहाँ पर दो प्याज लिए थे और चार टमाटर लिए हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी। आप चाहो तो आप इसमें देगी मिर्च भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाली है, सूखा धनिया पाउडर डाला है दो चम्मच। और बस आप उसको अच्छी तरह से आप इसको मिलाइए। अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो आप उसको, कसूरी मेथी को एक चम्मच हल्का सा गर्म कर लीजिए और आप इसमें डाल दीजिए। मैंने गरम कर लिया है, थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब मैं यहाँ पर मिला दूँगी जो मैंने फ्राई करके रखी थी अपनी चांप। बस चांप भी साथ साथ भुनती रहेगी ताकि सारे जो फ्लेवर है वो भी चांप के अंदर तक चला जाए। यहाँ पर मैंने जो गरम करी थी कसूरी मेथी उसको भी क्रश करके डाल दूँगी। बस आप सबको एक साथ मिला लीजिए। यहाँ पर मैं चिकन मसाला यूज़ कर रही हूँ दो चम्मच, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसके साथ इसका। और अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो आप वो डाल दीजिए, नहीं तो घर की मलाई रहती है सबके पास, मैंने यहाँ पर घर की मलाई यूज़ करी है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी खाने में। यहाँ पर थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जिस तरह से खानी है, चाहे ग्रेवी वाली खानी है या फिर, मेरी हस्बैंड को सूखा सूखा अच्छा लगता है, ज़्यादा ग्रेवी वाली ये अच्छी नहीं लगती है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग ही ये बना रही हूँ। और लास्ट में ढाबा टच देने के लिए आप थोड़ी सी टमाटो सॉस डाल लीजिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आएगा इसमें, बहुत यमी लगती है। बस आपको अच्छी तरह से एक मिक्स दे दीजिए। ये बहुत ही लटपटी सी, चटपटी सी ग्रेवी इसकी बन के तैयार होती है, बहुत ही यमी लगती है बच्चों को भी। आप एक बार इसको बनाकर ज़रूर देखिएगा।
देखिए देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। आप इसको परांठे के साथ, लच्छे परांठे के साथ या नान के साथ ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। बस लास्ट में इसमें आप एक बारी छोटा सा मक्खन डाल लीजिए, बहुत ही इससे भी बहुत यमी टेस्ट आता है। मैंने यहाँ पर मक्खन को ऐड कर लिया है। मेरा शाम का जो डिनर है वो रेडी हो चुका है। डिनर करने के बाद बस हम चारों जने, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, थोड़ा आउटिंग के लिए बाहर गए थे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।